एवरीवन, आज का टॉपिक है वीडियो का कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो लेट्स स्टार्ट, वीडियो में बने रहिए। तो रेवेन्यू होता क्या है? रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज द पेमेंट्स जो कि हम लोग रिसीव करते हैं, पेमेंट्स रिसीव्ड बाय ऑन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड। मतलब कि जो रिवेन्यू है वो पेमेंट है जो कि रिसीव करता है एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो रिसीव करता है फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। मतलब गुड्स को बेच करके जो आपका रिवेन्यू निकलता है उसको हम लोग रिवेन्यू। इसका एक एग्जांपल है, इफ़ अ प्रोड्यूसर कैन सेल ड्यूरिंग अ वीक 100 पेंस एट द प्राइस ऑफ 5 रुपीज ईच, हिज टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग द वीक इक्वल्स टू 5 × 100, दैट इज 500। इन द वर्ड्स ऑफ डूली, द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स रिसीव्ड और मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट्स। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू है फर्म का वो उसका सेल रिसीप्ट्स है और मनी रिसीप्ट्स है फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो उसको रिसीव हुआ, मनी रिसीप्ट और सेल रिसीप्ट, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल प्रोसीड्स, और इसको हम लोग सेल प्रोसीड्स भी बोल सकते हैं। तो अब है नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। इट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। मतलब कि हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 पार्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू को। टोटल रेवेन्यू नंबर 1, दूसरा है एवरेज रेवेन्यू, तीसरा है मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, वाइल एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। और इसका एक और फार्मूला होता है, एज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू 1 माइनस मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू फर्म का जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि फर्म रिसीव करता है फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसको ग्रॉस रेवेन्यू भी कहते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, जो कि फर्म रिसीव करता है फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ ऑल रिसीव्ड। मतलब कि हम लोग इसको एक और मतलब और करके हम लोग कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज दैट सम ऑफ ऑल रिसीप्ट और इनकम ऑफ अ फर्म। रिसीप्ट और इनकम है फर्म का टोटल रेवेन्यू। विद अ व्यू टू कैलकुलेटिंग टोटल रेवेन्यू, आइदर एवरेज रेवेन्यू इज मल्टीप्लाइड, मतलब या तो एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड होगा बाय द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एडेड अप, देन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इनटू क्वांटिटी, और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू रिफर्स टू द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द पर यूनिट कमोडिटी। पर यूनिट कमोडिटी को सेल करने से जितना पैसा रिसीव होता है, पेमेंट्स जितना रिसीव होता है, उसको हम लोग एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय टोटल आउटपुट। टोटल रेवेन्यू को टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? एवरेज रेवेन्यू। थस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल दे वेयर ए आर इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, क्यू इज इक्वल टू आउटपुट, एंड टी आर इज इक्वल टू टोटल आउटपुट।
total revenue. इट कैन ईजली बी सोन डैट ए आर ऑफ अ फर्म इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी. हम लोग इसको ए आर को एवरेज रिवेन्यू को प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी कह सकते हैं, प्राइस भी कह सकते हैं उसको. मतलब जैसे कि ए आर इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू बाय क्वान्टिटी एंड टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू क्यू पी, क्यू इंटू प्राइस, क्वान्टिटी इंटू प्राइस. थस ए आर इज इक्वल टू क्यू P by Q और AR is equal to P. मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज रिवेन्यू जो है वो प्राइस के इक्वल रहेगा हमेशा. मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रिवेन्यू इज़ द रिवेन्यू ऑब्टेंड बाय सेलिंग ऑन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी. मतलब कि एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होता है उसको हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं. एडिशनल यूनिट, बस यही ध्यान रखना, एडिशनल यूनिट. इन द वर्ड्स ऑफ फर्गुसन, मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू. और हम लोग इसको एक और तरह से भी बोल सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो चेंज है टोटल रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का चेंज है मार्जिनल रेवेन्यू. विच रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर और वन लेस ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट. Hence, we can say that marginal revenue is the difference between the total revenue of n units and total revenue of n minus 1 units. और हम लोग कह सकते हैं कि एम आर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ n टर्म्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 पर यूनिट. और एडिशनल बोला था ना, एम आर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाई क्वान्टिटी. अब हम लोग देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू and average revenue. It is clear that total revenue, marginal revenue, average revenue are interrelated. मतलब कि interrelated है तीनों एक दूसरे से, चाहे वो marginal revenue हो, चाहे वो average revenue हो, चाहे वो total revenue हो, दोनों मतलब तीनों एक दूसरे से interrelated है, मिला जुला है. From the following we will find out the total revenue, average revenue, marginal revenue. Total revenue is equal to Q into P. AR is equal to total revenue by quantity. Or MR is equal to total revenue of N terms minus total revenue of N minus 1. Additional unit of commodity. अब relationship between total revenue and marginal revenue, दोनों के बीच का रिलेशनशिप डिफरेंसेस हम लोग कह सकते हैं. तो व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज़ पॉजिटिव, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो टोटल रेवेन्यू राइज करता है. इट इज़ अप टू 5 यूनिट्स. ठीक है, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज़ जीरो, और जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो पर पहुँच जाता है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है. और जब when मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव, जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है तो टोटल रेवेन्यू फॉल करने लगता है. when AR एंड MR बोथ आर फॉलिंग, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स एट अ फास्टर रेट. मतलब जब AR एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों फॉल करने लगता है तो मार्जिनल रेवेन्यू फॉल करता है फास्टर रेट से देन AR. In other words, if AR and MR curves are downward sloping, अगर आपका average revenue और marginal revenue curve downward sloping है तो marginal revenue remains lower than AR curve. Relationship between average revenue and marginal revenue, अब हम लोग देख रहे हैं. बने रहिए वीडियो के साथ, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए. When both average revenue and marginal revenue are falling, और अगर AR मतलब average revenue और marginal revenue दोनों का दोनों fall कर रहा है तो marginal revenue fall करता है at a faster rate than average revenue. In other words, if average revenue and marginal revenue are downward sloping curve, अगर वो downward sloping curve है तो marginal revenue curve always remains below the AR curve. MR can be negative. मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो.
कैन बी निगेटिव, बट मतलब कि मार्जिनल रिवेन्यू जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, और वही जो एवरेज रिवेन्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. दैट्स वाई वी कैन से दैट एवरेज रिवेन्यू ऑलवेज रिमेंस अबव द एक्स एक्सिस व्हाइल मार्जिनल रिवेन्यू कर्व कैन गो बिलो द एक्स एक्सिस. मतलब कि एवरेज रिवेन्यू हमेशा एक्स एक्सिस के आगे रहता है और मार्जिनल रिवेन्यू का पीछे रहता है. अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट मार्केट्स. द नेचर ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर. मतलब कि ये नेचर ऑफ कंपटीशन पर डिपेंड करता है जो कि मार्केट में चल रहा है. इन विच द गुड्स आर सोल्ड, जिसमें कि गुड्स सोल्ड किया जाता है मार्केट में जो कंपटीशन पे. तो द प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ मार्केट सिचुएशन आर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट सिचुएशन, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक. तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इफ़ अ फॉर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट बट एट द सेम प्राइस इट इज़ सेड टू बी अ कॉम्पिटेटिव फॉर्म. मतलब कि अगर सेम प्राइस पे बेच रहा है तो वो हो गया कॉम्पिटेटिव फॉर्म. द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर कैन बी शोन बाय शेड्यूल एज फॉलोज. टोटल रिवेन्यू, इन टेबल टू वी सी दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज प्राइस इज फिक्स. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस क्या रहता है, फिक्स्ड होता है. प्राइस फिक्स्ड होता है बिकॉज टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेज एट अ कॉन्स्टेंट रेट, और टोटल रिवेन्यू जो होता है वो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज करता है और प्राइस फिक्स्ड रहता है. एवरेज रिवेन्यू एज सोन इन टेबल टू, एवरेज रिवेन्यू प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट सोल्ड. इट इज़ बिकॉज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाई इंडस्ट्री. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री. इंडस्ट्री डिटरमाइन करता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. एंड फर्म कैन सेल एनी अमाउंट एट अ गिवन प्राइस. नंबर थ्री है मार्जिनल रिवेन्यू. मार्जिनल रिवेन्यू, टेबल टू इंडिकेट्स दैट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म हैज़ द सेम मार्जिनल रिवेन्यू. हाउएवर मच इट सेल्स व्हेन प्राइस इज सेम फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी नेचुरली ए आर विल बी इक्वल टू एम आर. और यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रिवेन्यू हमेशा प्राइस के एवरेज रिवेन्यू हमेशा मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होता है. AR is equal to MR, where average revenue is constant. Concept of revenue under monopoly. Monopoly is opposite to perfect competition. Monopoly opposite है perfect competition के. Under monopoly, both average revenue and marginal revenue curve are downward sloping curve. मतलब कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है मोनोपोली में. इट इंडिकेट्स दैट टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी द मोनोपोलिस्ट हैज़ टू लोअर द प्राइस. मतलब कि ज़्यादा सेल करने के लिए मोनोपोलिस्ट को मार्केट में प्राइस को कम करना पड़ेगा. अगर मतलब कि उसको ज़्यादा सेल करना है तो वो प्राइस कम कर देगा. ठीक है. टोटल रेवेन्यू, रिवेन्यू अंडर मोनोपोली इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट बिकॉज द मोनोपोली कैन सेल मोर एंड यूनिट ऑफ कमोडिटी ओनली बाय लोअरिंग इट्स प्राइस. मतलब अगर वो प्राइस लोअर कर देता है मोनोपोली में, मोनोपोली के सिचुएशन में अगर वो प्राइस कम कर देता है तभी उसका ज़्यादा सेल होगा, नहीं तो सेल ही नहीं होगा. प्राइस बढ़ गया तो फिर सेल कैसे होगा, प्राइस घटेगा तभी ना सेल होगा ज़्यादा. अकॉर्डिंगली as sale increases price or average revenue tends to fall with increase in sales. average and mr dono ek hi saath keh rahe hain. as shown in table 3
एवरेज रेवेन्यू और प्राइस अंडर मोनोपोली टेंड्स टू फॉल विथ इंक्रीज इन सेल, मतलब कि सेल में इंक्रीज हुआ तो प्राइस में फॉल हो जाएगा. प्राइस में फॉल हो जाएगा अगर सेल में इंक्रीज हुआ तो. अनलाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एआर एवरेज रेवेन्यू, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रेवेन्यू इक्वल था मार्जिनल रेवेन्यू के. अंडर मोनोपोली मार्जिनल रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम एमआर, पर मोनोपोली के सिचुएशन में वो दोनों डिफरेंट रहता है. इट इज़ लेस देन एवरेज रेवेन्यू, तो यहाँ पर लेस हो गया वो एवरेज रेवेन्यू से. ए आर कर्वेज अ स्ट्रेट लाइन दैट स्लोप्स डाउनवर्ड. कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू अंडर मोनोपोलिस्टिक, जब सब कर लिए तो ये भी कर लेते हैं. द मेन डिफरेंस इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व इज दैट द कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर मोर इलास्टिक, मतलब कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कर्व बनता है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है. इट मीन्स दैट व्हेन अ मोनोपोली फर्म राइजेज द प्राइस, जब आपका मोनोपोली फर्म प्राइस राइज कर देता है द डिमांड विल प्रोपोर्शनेटली लेस. ये तो सीधा बात है कि प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड कम हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड इफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन राइजेज द प्राइस द प्रोपोर्शनेट फॉल इन डिमांड विल बी मोर, यहाँ पर डिमांड में फॉल हो जाएगा. इट इज़ सो बिकॉज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स आर गुड्स हैज देयर सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पर इस मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में गुड्स में सब्स्टिट्यूट रहता है कि हम जैसे दो गुड्स है तो कोई भी खरीद सकते हैं, कोई बाय कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूट एंड बायर्स इक्वली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम. If one firm raises the price of the product, the buyer will shift their demand to the substitute products whose price remain unchanged. मतलब जिसका price change नहीं हुआ अब वो खरीदने लगेंगे. Price change हो गया तो वो नहीं खरीदेंगे और जिसका price नहीं change हुआ वो खरीदेंगे. ठीक है. In short, under monopolistic competition, average revenue and marginal revenue curve are relatively more elastic. मतलब कि monopolistic competition में average revenue और marginal revenue दोनों more elastic होता है, while under monopoly the same are relatively less elastic. ठीक है. अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल.